नमस्कार दोस्तों, तो हाजिर हूँ मैं फिर एक बार लेकर अपना यह धुआंधार सेशन सुंडा मैराथन का। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। बहुत बढ़िया, एकदम गजब का टॉपिक है, पढ़ने में मज़ा आता है इसको। ठीक है, तो फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर किसे माना जाता है? जी हैबरलैंड को माना जाता है। भैया सबसे पहले दबाकर शेयर कर दो, क्योंकि पहले ही हमने आप लोग को बता दिया है कि जब तक 1K व्यू इसके नहीं जाएंगे, अगला इसका पार्ट आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मिनिमम उतना तो आपको करवाना ही है, बाकी फिर आप लोग की दया है, पहुंचा दो एकदम टॉप पे। ठीक है, पहले वाले को आप लोग दिलवा दिए 17,000, यार नीचे तक आते आते सब लोग थक जाते हो, पढ़ ही नहीं पाते हो लग रहा है। तो इसको आपको प्रोग्रेस करवाना है कसके, और हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन। तो भैया फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, टिश्यूज़ क्या होते हैं पहले ये जान लो। जो टिश्यूज़ होते हैं सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी कई सारी सेल्स जो है मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं ऊतक। ठीक है, अब इन ऊतक का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं किसके लिए, प्लांट को डेवलप करने के लिए। यानी सिर्फ टिश्यू के प्रयोग से हम लोग पूरा पूरा प्लांट डेवलप कर लें, इस टेक्निक को बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। इसे खोजा किसने था? जी हैबरलैंड ने। फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर किसे माना जाता है? जी हैबरलैंड को। बॉटनी के पप्पा माना जाता है किसको? थियोफ्रेस्टस। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, जिसमें हम पेड़ पौधों पादपों का अध्ययन करते हैं, उसके पिता कहे जाते हैं थियोफ्रेस्टस। बायोलॉजी की मुख्य दो शाखाएं हैं, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टस, और जूलॉजी के अपने फादर भैया क्या हैं, अरिस्टोटल हैं, या अरस्तु जिनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। भैया ये वही आदमी है भैया, हर जगह घुसे रहते हैं, तो ये अरिस्टोटल हमारे क्या हैं, फादर हैं जूलॉजी के। फादर ऑफ जेनेटिक्स हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग जानते होंगे जेनेटिक्स के पप्पा कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। द लॉन्गेस्ट माइटोटिक फेज, देख लो भैया सेल डिवीजन जो हमारा होता है, हम लोग दो प्रकार का पढ़े हैं सेल डिवीजन। एक तो हमने पढ़ा है माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक का मतलब होता है कि भैया समसूत्री विभाजन, यानी एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं, जो गुणसूत्रों की संख्या में अपने पैतृक कोशिका के समान होती है। ठीक है, दूसरा होता है मियोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, क्या होता है मियोसिस सेल डिवीजन? तो जो मियोसिस सेल डिवीजन है, ऐसा सेल डिवीजन होता है जहां एक पैतृक कोशिका से चार कोशिकाएं बनती हैं। अब ये चार कोशिकाएं क्या होती हैं, गुणसूत्रों की संख्या में आधी होती हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज को। मियोसिस में क्या है, एक कोशिका चार में डिवाइड, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या माधी। अब भैया ज्यादा बच्चे पैदा करोगे तो क्या होगा, क्वालिटेटिव बच्चे नहीं पैदा होंगे, कैसे होंगे, क्वांटिटेटिव बच्चे पैदा होंगे। तो सबके भैया क्या होगा, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। कहने का मतलब मियोसिस सेल डिवीजन में क्या है, ये भैया हमारा गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, लेकिन कोशिकाएं कितनी बन जाती हैं, चार बन जाती हैं। वहीं हम लोग अगर बात करें कि भैया माइटोटिक सेल डिवीजन में क्या होता है, तो दो ही कोशिकाएं बनती, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या में क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे कि भैया कई सारे फेजेस में कोई भी माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा बहुत हल्का सा एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी सेल डिवीजन टॉपिक जब आएगा तब उसमें डिटेल में आपको बता देंगे सारी चीज़ें। तो देखो सेल डिवीजन में होता क्या है, एक साइकिल चलता है, इस साइकिल का सबसे बड़ा जो भाग होता है 95% टाइम जो होता है वो किस में जाता है, इंटरफेज में जाता है। किसमें, एक फेज होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरफेज। ये इंटरफेज में कोई सेल डिवीजन नहीं होता है, इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन की तैयारी, यानी तैयारी करने में किसी भी चीज़ की कितना लगा भैया, 95% टाइम। और भैया ये जो 5% टाइम लगता है, इसे हम बोलते हैं एम फेज, इसका मतलब माइटोटिक फेज। इसमें भी माइटोटिक फेज जो एम फेज है, इसके कई सारे पार्ट होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक होता है प्रोफेज, एक होता है मेटाफेज, फिर आता है एनाफेज, फिर आता है टीलोफेज। ठीक है, प्रो मेटा एना टीलो, ये क्या है, इनके होने का क्रम है, यानी पहले प्रोफेज होगा, उसके बाद प्रोफेज जिसमें हो चुका होगा उसमें मेटाफेज होगा, मेटा के बाद उसमें एनाफेज होगा, और एना के बाद क्या होगा, टीलो फेज होगा। ठीक है, ये क्रम है। अब लेकिन इसमें समय किसमें सबसे ज़्यादा याद लगता है, इसको याद रखने के लिए हम लोग एक फार्मूला याद रखते हैं, क्या, पीटीएमए। बहुत पूछा जाता है कि भैया किसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है, तो सबसे ज़्यादा समय लगता है प्रोफेज में। माइटोटिक सेल डिवीजन में सर्वाधिक समय किस फेज में लगेगा, प्रोफेज में। उसके बाद लगता है टीलो, यानी लास्ट में होता जो था उसमें सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन मतलब टाइम लगेगा। इसके बाद होता है हमारा क्या, मेटाफेज, फिर हमारा होता है एनाफेज। अब इसने पूछा क्या है कि लॉन्गेस्ट माइटोटिक फेज क्या होगा, पीटीएमए के हिसाब से बता दो, प्रोफेज होगा। अगर मुझे शॉर्टेस्ट सबसे कम टाइम किस में लगेगा, तो पीटीएमए के हिसाब से बता दो, ए फॉर एनाफेज। ठीक है, बात समझ में आ गई।
सेग्रीगेशन किस में होता है? तो भैया जो मियोसिस सेल डिवीजन होता है उसी में हमारा क्या होता है, सेग्रीगेशन हो जाता है। सेग्रीगेशन होता है तभी तो भैया क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। सेग्रीगेशन के बिना गुणसूत्रों की संख्या कैसे अगली कोशिका में आती, आधी जाएगी। सेग्रीगेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं और आधे आधे गुणसूत्र भैया बट जाते हैं, तो दो एक कोशिका से चार कोशिकाएं डेवलप हो जाती हैं। मोस्ट एविडेंट फॉर्म ऑफ आरएनए, भैया तीन प्रकार के आरएनए हम लोग देखते हैं। कौन कौन सा देखते हैं? एक तो देखते हैं भैया टीआरएनए, एक देखते हैं एमआरएनए, एक देखते हैं आरआरएनए। टीआरएनए क्या करता है, ट्रांसफर आरएनए होता है। ये क्या करता है भैया, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करता है। एमआरएनए क्या करता है, मैसेंजर यानी मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करता है। टीआरएनए क्या करता है भैया, सब सारे सिस्टम्स जितने हैं उनसे क्या करता है, एम्यूनो एसिड्स ले लेके आता है। और भैया जो आर आर एन ए है ये क्या करता है, रेप्लिकेटिंग आर एन ए होता है। ये क्या करता है, यही भैया हमारा क्या बनाता है, प्रोटीन को बनाने का काम करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो भैया ये हमारा जो है राइबोसोमल आरएनए, जो आरआरएनए होता है वही प्रोटीन का निर्माण करता है। बात समझ में आ गई? तो आरएनए से प्रोटीन का बनना कह क्या लाता है ये भी जान लो। इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। इसको डिटेल में आगे बताएंगे, अभी इतना जान लो। तो इन्होंने पूछा क्या है, अब मेन बात कि सबसे ज़्यादा आरएनए कितने प्रतिशत, सबसे ज़्यादा कौन सा सबसे ज़्यादा प्रतिशत में होता है? तो जो टीआरएनए है, ट्रांसफर आरएनए, यही हमारा सर्वाधिक पाया जाता है। लगभग 80% तो यही होता है 100 में से। ठीक है, बाकी 20% में हमारे एमआरएनए और आरआरएनए होते हैं। इसके बाद बात करें भैया बैक्टीरियोफेज क्या होता है। भैया हम लोग बात करते हैं, कहते हैं गंगा का पानी कई सालों तक रखा रहता फिर भी खराब नहीं होता है। कहते हैं ना, किस लिए नहीं खराब होता, क्योंकि उसमें पाया जाता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज होता क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है भैया। नाम इसके बैक्टीरिया इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये बैक्टीरिया नहीं है, यह है क्या, यह है वायरस। तो इसको बैक्टीरियोफेज क्यों कहते हैं? फेज का मतलब भैया खा जाने वाला, किसको, बैक्टीरिया को। तो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खा जाता है उसे हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। और कैसा वायरस होता है, एसएस डीएनए वायरस होता है। ठीक है, वायरसेस कई प्रकार के होते हैं। एक होता सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, ऐसे होता ना। तो उसमें जो सिंगल स्टैंडर्ड वाला डीएनए वाला वायरस है, वो वाला वायरस हमारा क्या होता है, बैक्टीरियोफेज होता है। बैक्टीरिया को, हानिकारक बैक्टीरिया खत्म कर देता है। ठीक है, इसके बाद इन माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड ओनली 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है भैया जिसे हम लोग बोलते हैं 70S टाइप का, और एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं 80S टाइप का। 70S वाले में हमारा क्या होता है भैया, 30S का हमारा एक सब यूनिट होता है और 40S का एक होता है। 80S वाले में हमारा क्या होता है, 30S का एक होता है, 40S का एक होता है और 50S का, नहीं नहीं कुछ तो कन्फ्यूजन है। सब यूनिट्स जो हमारी हैं वो भैया काउंट करने बराबर नहीं, समझ रहे, ये सब यूनिट्स बराबर नहीं होते, 30-40 नहीं होता है। क्या होता है, एक सब यूनिट जो होती है हमारी कितने की होती है, एक होगी 30 की तो दूसरी होगी 50 की। इसे हम लोग बोलते हैं 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। ठीक है, और एक होती है 40 की और एक होती है 60 की सब यूनिट, तो इसे हम बोलते हैं 80S राइबोसोम। ठीक है, तो दो प्रकार के हमारे राइबोसोम हो गए, 70S और 80S। तो माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ यही वाला पाया जाता है। ठीक है, अच्छा ये दो सब यूनिट्स जुड़ी किससे रहती हैं, तो ये भैया जुड़ी रहती हैं किससे, मैग्नीज से। ठीक है, ये सब यूनिट जो जुड़ी रहती हैं किससे जुड़ी रहती हैं, मैग्नीज से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, इसके बाद अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इस कॉल्ड एलील, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, याद कर लो। जीन की अल्टरनेटिव यानी परिवर्तित रूप को ही हम लोग एलील कह देते हैं और कुछ नहीं है। टिफ्ट 16 भैया ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा एक जीन है। ये जीन जो होता है टिफ्ट 60 क्या करता है, टिफ्ट 60 याद रखना किसमें पाया जाता है, सोरघम में। काम क्या करता है ये भैया क्या करता है, मेल स्टेरिलिटी को लाता है। ऐसे ही एक और जीन होता है जिसका नाम होता है काफिर 60, जो हमारा पाया जाता है किसमें, पर्ल मिलेट में। ठीक है, अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो टिफ्ट 60 किसमें है, सोरघम, याद रखना, सोरघम यानी ज्वार, ज्वार में क्या, टिफ्ट भैया, टिफ्ट किसमें है, सोरघम में है। इसके बाद ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप कौन कौन सी है,
कॉटन और सोरघम हमारी ऑफन क्रॉस्ड पॉलिनेटेड हैं। अब पूछोगे ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? भाई क्रॉस पॉलिनेशन सुने हैं, सेल्फ पॉलिनेशन सुने हैं, ये ऑफन ऑफन क्या होता है? तो भैया कहने का मतलब ये है, हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं? जहाँ 90% से ज़्यादा सेल्फ पॉलिनेशन होता है, 95% से ज़्यादा सेल्फ पॉलिनेशन होता है, उसे सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाता है। जहाँ पर 35% से ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन होता है, उसे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब जहाँ पर हम बीच का पोर्शन देखो, हमने क्या बताया, जहाँ 95% सेल्फ है, यानी लेस देन 5% अगर क्रॉस पॉलिनेशन है, तो उसे तो हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोल देंगे। 5% से भी कम अगर सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, एक फसल है इसमें भैया मोस्टली क्या हो रहा है, सेल्फ हो रहा है, सिर्फ 5% के आसपास तक क्रॉस पॉलिनेशन हो जा रहा है, कभी कभी कोई मधुमक्खी पहुंच के एकदा परागकण इधर उधर पहुंचा दी, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन ही बोलेंगे, ठीक, जब लेस देन 5% है। और हमने कहा अगर 35% से ज़्यादा पॉलिनेशन क्रॉस हो जाए, इस ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलने लगते हैं। 35% से ज़्यादा अगर हुआ तो क्रॉस है। अब 5 से बीच में और 35 के बीच में अगर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओ सॉरी, ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। अगर किसी फसल में 5 से लेकर 35% तक क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो ऐसी फसल को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड। ऑफन मतलब कुछ थोड़ा सा क्रॉस है, तो ऑफन क्रॉस हो गया, ठीक है। किसमें किसमें इसी व्यवस्था हम देखते हैं भैया, कपास में देख लेते हैं और ज्वार में देख लेते हैं, ठीक है। कॉटन में क्या होता है, 5 से लेकर 35% तक क्रॉस पॉलिनेशन होता है, सोरघम में भी सेम वही चीज़ होती है। अगला हम लोग बात करें, द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाई ग्रेगर जॉन मेंडल, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जानते ही हैं सब लोग, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के 3 लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तीनों नियम मेंडल ने दिए थे। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी किसने दी थी, मेंडल ने दी थी। अनुवांशिकता का सिद्धांत, हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिकता का सिद्धांत, किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। द शॉर्टेस्ट फेज आपको अभी बताए थे, माइटोटिक का शॉर्टेस्ट फेज क्या होगा, बताए थे PTMA, प्रो टीलो मेटा एना, तो सबसे छोटा एना, सबसे बड़ा प्रो, ठीक है। इसके बाद तो प्रो प्लेयर है ही, सबसे बड़ा फेज हो गई होगा, ठीक है। द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, अभी हमने बताया था करता कौन है भैया, राइबोसोमल RNA, प्रोटीन सिंथेसिस करता है RRNA, कहाँ करता है भैया, नाम ही राइबोसोमल RNA, राइबोसोम में रहता तभी तो करता है, तो राइबोसोमल RNA है, तो राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट क्या होती है, राइबोसोम, ठीक है। अब इसी आधार पे हम लोग क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की बताए थे आपको, ER जो होती दो प्रकार की है, एक बताए थे SER यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, तो ये भी क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस करती है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म होता है, भैया जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म को कहा गया है, और कहा किस वैज्ञानिक ने था, तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, हक्सले था। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कॉल्ड बाय हक्सले, किसने कहा था, हक्सले ने कहा था भाई। ऑनियन इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीफ, भैया प्याज क्या है, पत्ती का रूपांतरण है। ऑनियन गार्लिक एग्जाम्पल किसके हैं, बल्ब्स के एग्जाम्पल हैं, किसके एग्जाम्पल हैं, बल्ब के एग्जाम्पल हैं। एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल, भैया सेब में हम लोग खाते क्या हैं, जो सेब में खाया जाता है उस पार्ट को कहा जाता है थैलेमस, क्या खाते हैं, थैलेमस। भैया सेब हमारा किस प्रकार का फल है, असत्य फल है, क्या है, फाल्स फ्रूट है। असत्य फल क्यों होता है, क्योंकि ये क्या होता है, मोस्टली फ्रूट्स जो डेवलप्ड होते हैं किससे होते हैं भैया, पुष्पासन से होते हैं, ठीक है, लेकिन ये पुष्पासन से डेवलप्ड नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फाल्स फ्रूट बोलते हैं। किसको, एप्पल एंड पियर, जो सेब और नाशपाती हैं ये हमारे किस प्रकार के हैं, ये भैया हमारे असत्य फल हैं। इनके लिए फ्रूट टाइप क्या होता है, जो असत्य फल हैं उनके लिए फ्रूट टाइप होता है हमारा क्या, पोम। पोम जो फ्रूट टाइप के फल जितने भी होते हैं वो असत्य फल कहे जाते हैं, क्योंकि वो पुष्पासन से विकसित नहीं होते, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लें, तो भैया हमारा जो ये
आम में हम लोग क्या खाते हैं, मीजोकार्प खाते हैं, मध्य फल भित्ति खाते हैं। कोकोनट में क्या खाते हैं हम लोग, कोकोनट में हम लोग इंडोस्पर्म खाते हैं, ठीक है। इंडोस्पर्म किस में खाया जाता है, कोकोनट में खाया जाता है। इंडोस्पर्म बनने की प्रक्रिया, खैर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, जो थोड़ा टफ हो जाएगा। जो इंडोस्पर्म होता है वो हमारा क्या होता है, 3N टाइप का होता है, बस इतना जान लो, ठीक है। कितना होता है, 3 गुणसूत्री होता है, ठीक है। तो इंडोस्पर्म किस में खाते हैं हम लोग, कोकोनट में खाते हैं। इसके बाद एन एजेंट दैज कॉज ए जीन म्यूटेशन, म्यूटेशन इज कॉल्ड, भैया जो एजेंट, जो एजेंट, एजेंट का मतलब कोई केमिकल हो सकता है, कोई रेज हो सकती हैं, या कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से क्या हो, म्यूटेशन हो जाए, जिसकी वजह से क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, ऐसे एजेंट को क्या कहेंगे हम लोग, म्यूटाजन कहेंगे। आसानी से याद हो जाएगा, एजेंट जो म्यूटेशन करे, म्यूटाजन, सिंपल है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर एक्सरे से म्यूटेशन होता है, गामा रे से म्यूटेशन होता है, सारे क्या है, म्यूटाजेंस है। कई सारे केमिकल्स जिनकी वजह से म्यूटेशन होता है, वो सारे क्या है, म्यूटाजेंस है, ठीक है। इसके बाद बात कर लें हम लोग, मोस्ट म्यूटेंट टॉलरेंट आर, भैया जो म्यूटेंट टॉलरेंट किससे होते हैं, पॉलीपोलाइट्स, पॉलीपोलाइट्स जितने भी हैं वो क्या होते हैं, म्यूटेंट टॉलरेंट होते हैं, उसमें म्यूटेशन आसानी से नहीं होता है। कैरेक्टर व्हिच एक्सप्रेस इन वन सेक्स ओनली, भैया जो कैरेक्टर्स सिर्फ मेल में दिखाई देते हैं या फीमेल में दिखाई देते हैं, यानी जो कॉमन कैरेक्टर्स नहीं हैं, जैसे मेल फीमेल इंसानों में ही बात किया जाए, आँखें कान नाक सारी सेम है, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो हम मतलब मेल और फीमेल में डिफरेंस होता है, तो ऐसे कैरेक्टर्स जो डिफरेंट हैं, ऐसे कैरेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। क्या बोलते हैं, सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, लिमिटेशन है, सेक्स की वजह से ही उनमें वो डेवलप्ड हुए हैं, ठीक है। जैसा जिसका जेंडर है उस हिसाब से वो डेवलप्ड हुए, इसलिए ऐसे कैरेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स, ठीक है। इसके बाद आरएनए सिंथेसिस इज इन व्हिच ऑर्गेन, न्यूक्लियोलस, आरएनए की सिंथेसिस कहाँ होती है भैया, केंद्रिका में होती है, केंद्रक में नहीं, केंद्रिका, केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है, यानी न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी सी क्या पाई जाती है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है। इसी न्यूक्लियोलस में क्या होता है, आरएनए बन जाता है भैया, ठीक है। इसके बाद बात करें अगर द इन्फ्लोरिसेंस ऑफ बनाना, बनाना के इन्फ्लोरिसेंस को क्या बोलते हैं, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, याद कर लेना, क्या बोलते हैं, स्पेडिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेडिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने, डार्विन ने भैया क्या दिया था, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था भैया। क्या इन्होंने बताया कि भैया डार्विन ने कहा कि क्या होता है, सबका जो है एवोल्यूशन जो होता है, यानी उत्परिवर्तन जो होता है, कैसे होता है, नेचुरल सिलेक्शन के माध्यम से होता है, यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी आप लोग कई बार सुने होंगे कि वही भैया इस उसमें सर्वाइव कर पाएगा, जो क्या होगा, सर्वाइव करने के लिए योग्य होगा, फिट होगा, वही सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लें द थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, भैया एक्वायर्ड कैरेक्टर की थ्योरी लैमार्क ने दी थी, आप लोग लैमार्क और डार्विनवाद हाई स्कूल में पढ़े होंगे, क्या क्या थ्योरी थी, जिराफ वाली याद है कुछ कहानी, क्या होता था कि भैया लैमार्क ने बताया कि जो जिराफ हैं उनके आगे पैर और गर्दन इतनी लंबी इस वजह से हो गई क्योंकि उनको क्या होता था कि भैया नीचे भोजन नहीं मिल पाया, तो उन्होंने गर्दन उचका उचका के ऊपर खाना शुरू कर दिया, इसी वजह धीरे धीरे उनकी गर्दन और आगे पैर लंबे हो गए। एक्वायर्ड कैरेक्टर यानी आवश्यकता पड़ी जिन कैरेक्टर्स की, वो कैरेक्टर्स अपने आप डेवलप्ड हो गए, और जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं हुई वो धीरे धीरे गायब हो गए। एग्जाम्पल के तौर में उन्होंने कहा कि मनुष्यों में जो टेल थी, पूंछ थी, कि बंदर से मानव का उद्भव हुआ है, पहले तो पूंछ हुआ करती थी लेकिन धीरे धीरे उसकी आवश्यकता नहीं रही तो वो गायब हो गई, ऐसा लैमार्क का मानना है। ये सिर्फ क्या है, एक सिद्धांत है, ये मतलब प्रूफ्ड नहीं है, ठीक है, ये बात समझना। लैमार्क और डार्विनवाद दोनों पढ़ेंगे आप तो दोनों एक बार सही भी लग सकता है, दोनों एक दूसरे को एकदम कांटे टक्कर देते हैं, दोनों गलत भी हैं। उनको अगर सिद्ध इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बकरी बकरी सबकी टांगें लंबी हो जानी चाहिए थी, घास जब नीचे नहीं बची तो सबकी टांगें लंबी हो जानी चाहिए थी, ठीक है, या फिर मर जाना चाहिए था लेकिन सब सर्वाइव किए, तो धीरे धीरे मतलब सबके तुमको वो मिल जाएंगे जिसके कारण जो है सब सक्सेसफुल, इतनी थ्योरीज नहीं है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट है, उसके आधार पर हमने बाकी सारी बहुत सारी खोजें की, ठीक है। तो हमने क्या बताया, नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स किसने दिया, लैमार्क भाई ने बताया।
सिंगल जीन अफेक्टिंग वन मोर देन वन कैरेक्टर इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। ये तीन चीजें होती हैं। एक तो हम बोलते हैं भैया, एक को हम बोलते हैं मोनोजेनिक, याद रखना मोनोजेनिक एक शब्द है, एक होता है पॉलीजेनिक शब्द और तीसरा होता है प्लियोट्रॉपी शब्द। ये तीनों क्या हैं, एक साथ पढ़े जाते हैं। क्या इनमें होता है, देखो जब एक जीन है, मान लो कोई तुम्हारे शरीर का एक जीन, वो जीन तुम्हारे एक कैरेक्टर के लिए उत्तरदायी है, मान लो तुम्हारी आँखों के रंग के लिए उत्तरदायी है, यानी एकलौता जीन ये मिलकर तुम्हारी आँखें हरी होंगी या नीली होंगी या पीली होंगी, जैसी भी होंगी, किसकी वजह से हो, सिर्फ अगर एक ही जीन इसको डिसाइड करता हो, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, ऐसे उसको हम बोलते हैं मोनोजेनिक, ठीक है, ऐसे सिम्टम को बोलते हैं मोनोजेनिक। और ऐसे करेक्टर जो बन के आता है, ये करेक्टर क्या कहलाता है, क्वालिटेटिव करेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वालिटेटिव करेक्टर, क्योंकि भैया क्या है, एक जीन ही डिसाइड कर रहा है किसको, एक करेक्टर को, तो उसकी क्वालिटी बड़ी बढ़िया होगी, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे जीन, चार पांच जीन जो है मिलके एक कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं, मान लो तुम्हारी लंबाई 5 फुट होगी कि 6 फुट होगी, ये डिसाइड करने के लिए 5 जीन मिलके ये डिसाइड कर रहे हैं तुम्हारी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो ये जो हमारा कैरेक्टर बनेगा इसको बोलेंगे क्या, बहुत सारे जीन है ना, तो ये हो गया पॉलीजीन, पॉलीजेनिक। और ऐसा जो करेक्टर बन के आएगा इसे बोलेंगे क्या, क्वांटिटेटिव करेक्टर, मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव करेक्टर, मात्रात्मक के करेक्टर होगा, ना कि इसकी क्वालिटी बहुत बेहतर होगी, ठीक है। अब मान लो भैया एक हमारा जीन कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो गया, ये इकलौता जीन यही बता रहा है कि तुम्हारी आँख का रंग कैसा हो, यही बता रहा है कि तुम्हारी हाइट कैसी हो, यही बता दे रहा है कि भैया तुम्हारे बालों का रंग कैसा हो, क्या है, एक जीन कई सारे करेक्टर्स को बताने लगे, ऐसे जीन को बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, याद रखना, BHU का एंट्रेंस देने वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, मोनोजेनिक, पॉलीजेनिक और प्लियोट्रॉपी। इतना आसान शब्द हम समझा दिया, अब भी ना समझ में आया भैया तो हम नहीं जानते, ठीक, अब दबा के शेयर मारो, पहले जाके इतना समझाने के बाद भी शेयर नहीं मार रहे हो। गार्लिक और टर्मरिक की हम लोग बात कर लें, गार्लिक और टर्मरिक किसके एग्जाम्पल हैं, राइजोम के एग्जाम्पल हैं, पता ही है यार, गार्लिक टर्मरिक राइजोम के एग्जाम्पल हैं, बल्ब के एग्जाम्पल हमारे क्या हैं, बल्ब के एग्जाम्पल हमारे क्या भैया, जो हमारा लहसुन है, प्याज है, सब क्या है, बल्ब के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आलू आलू हमारा स्टोलन के एग्जाम्पल हैं, सब तो पढ़े हैं आप लोग, याद रखिए उन चीज़ों को, ठीक है, सब तो इंटर में जो एग्रीकल्चर से इंटर पढ़े हैं, बायो से इंटर पढ़े हैं, उनके लिए बहुत बेसिक चीज़ें हैं, सब तो आसानी से सब लोग पढ़े ही हैं। अब बता रहे भैया कि क्रोमोसोम का अध्ययन करने के लिए, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर का अगर हमको अध्ययन करना है तो सबसे बेस्ट फेज कौन सा होगा, तो आपको हम चार फेज बताए थे माइटोटिक में भैया, एक पहले बताया, सबसे पहले हमारा क्या होता है, प्रोफेज होता है, उसके बाद आता है मेटा, उसके बाद आता है एना, उसके बाद आता है टीलो, ठीक है, ये क्रम है। और अगर हम पूछे तो समय की बात पूछे कौन सबसे बड़ा होता है, तो प्रो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद टीलो, उसके बाद मेटा, उसके बाद एना, बस टीलो उठा के कहाँ रख देना, बीच में रख देना आके सेकेंड नंबर पे, लास्ट से उठा के, बाकी क्रम वही रहेगा, ठीक है। अब इस वाला जो फेज है मेटा फेज, इस मेटा फेज में क्रोमोसोम हमको बहुत साफ साफ एकदम दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज से पहले ये क्रोमोसोम, मतलब ये हमारा न्यूक्लियस था, इसके अंदर ये क्रोमेटिन धागे फैले होते थे, ठीक है। प्रोफेज में हमारा इसमें न्यूक्लियोलस होती थी, सब होता था, प्रोफेज में हमारा न्यूक्लियोलस गायब हो जाती थी, थोड़ा थोड़ा ये क्या होता था, धागे ऐसे मोटे होना शुरू हो जाते थे, कंडेंसेशन इसमें स्टार्ट हो जाता था, ठीक है। इसके बाद जब ये मेटाफेज में पहुंचते थे तो यही हमारे जो कंडेंसेशन यानी मोटा होना शुरू हुए थे, आपस में जुड़ना शुरू हुए थे, यही हमारे टूटकर अलग हो जाते थे, और यही हमारे क्या होते थे, लास्ट में क्रोमेटिन धागों से क्रोमोसोम बन जाते थे, ठीक है। तो यही क्रोमोसोम का अध्ययन अगर करना है तो सबसे बेस्ट जगह कहाँ हमको मिलेगी, ये मेटाफेज मिलेगा, ठीक है, बात समझ में आ गई, आगे बात कर लो फिर। तो भैया बता दो, राइबोसोम आर स्मॉल सेलुलर पार्टिकल विच आर
साइटा प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जो हमारे हैं स्मॉल सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं, किसके? प्रोटीन सिंथेसिस के। यही प्रोटीन सिंथेसिस होती है, स्मॉल सेलुलर पार्टिकल होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, 70S 80S, बता चुके हैं सारा कुछ। 70S में हमारा क्या है 30-50 और 80S में 40-60 हमारा क्या है सब यूनिट्स होती हैं, मैग्नीज द्वारा जुड़े होते हैं। और मान लो मैग्नीज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये आपस में क्या होते हैं, ऐसे आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे ये बताए थे कि कुछ ऐसे होते हैं, एक सब दो सब यूनिट होती हैं। अभी इनमें क्या हो, जो मात्रा मैग्नीज की है जिसकी वजह से जुड़े हैं बढ़ जाए उसकी, तो ये आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे, एकदम तार ऊपर चढ़ जाएंगे। ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, डाइमर। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं डाइमर, हिंदी में बोलते हैं इसे द्वितय, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लें भैया, तो क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग पॉसिबल इन सेल्फ इनकॉम्पेटेबल्स। अच्छा देखो, अगर पूछा जाए इनब्रीडिंग कि सबसे क्लोजेस्ट फॉर्म क्या है, ऐसे मान लो सेल्फ इनकॉम्पेटेबल ना लिखा हो, तो इनब्रीडिंग की सबसे क्लोजेस्ट फॉर्म, इनब्रीडिंग मतलब ब्रीडिंग समझ लो, ब्रीडिंग की सबसे क्लोजेस्ट फॉर्म क्या हो सकती है कि भैया स्वतः ही कर लें क्या ब्रीडिंग, ठीक है। यानी भैया कोई ऐसा प्लांट है जो एक ही प्लांट पे एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर जो है क्या कर ले रहा है, उसी में मेल पाया जा रहा है, उसी में फीमेल पाया जा रहा है, हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर है, वो आपस में क्या क्या परागण और निषेचन कर लिया, ये सिस्टम क्या है एकदम भैया क्या है भैया सबसे क्लोजेस्ट फॉर्म हो गया। लेकिन इन्होंने बता क्या दिया, सेल्फ इनकॉम्पेटेबल हो, यानी स्वयं को निषेचित ना कर पाता हो, स्वबंध निषेचिता पाई जाती हो, स्वयं को ना कर पाए तो किसको करेगा, सिबलिंग्स को अपने करेगा जाके। सिबलिंग्स यानी क्या भैया, एक ही पेरेंट से उत्पन्न संतति जो है, खुद को नहीं कर पा रहा है तो एक ही पेरेंट से उत्पन्न जो संतति हैं उनको क्या करेगा, उनसे इनब्रीडिंग कर ले। तो इस इनब्रीडिंग को क्या बोलेंगे, इस इनब्रीडिंग को बोलेंगे सिबलिंग है, तो क्या हो गया, सिब मैटिंग बोलेंगे, ठीक है। सिबलिंग्स में मैटिंग, सिब मैटिंग हो गया, बात समझ में आई। यानी एक ही पैतृक के जो संतान हो उनके बीच में जो है क्या हो, संबंध हो, तो इसे बोलते हैं सिब मैटिंग, ठीक है। इसके बाद फिजिकल क्रोमोसोम एक्सचेंज इन क्रॉसिंग ओवर ड्यू टू, कब क्रॉसिंग ओवर होता कब है, क्रॉसिंग ओवर क्या है भैया, जब मियोसिस सेल डिवीजन होता है उसका जो प्रोफेज होता है थोड़ा सा और चला जाता है तगड़ा, ठीक है। प्रोफेज जो होता है माइटोटिक नहीं मियोटिक, क्योंकि मियोटिक में क्या करना है, गुणसूत्रों को आधा होना है, आधा होने के लिए सेग्रीगेशन होगा, सेग्रीगेशन होने के लिए क्या होता है, उसमें जो प्रोफेज होता है प्रोफेज फर्स्ट, इस प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, पांच छोटी छोटी क्रियाएं हो जाती हैं। कौन कौन सी क्रियाएं हो जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लिया मान लो मजा आ गया तुमको। एक तो भैया फार्मूला से याद कर लो, लल्ला जरा पानी दे दो, इतना तो याद ही कर सकते हो, लल्ला जरा पानी दे दो, बहुत सिंपल है। तो लल्ला से क्या याद रखोगे, लल्ला यानी है भैया क्या, लिप्टो टीन, जरा मतलब क्या है जाइगो टीन, पानी मतलब क्या है पैची टीन, पानी दे दो, दे मतलब क्या है हटा दें डिप्लो टीन, दो मतलब क्या है डाई काइनेसिस। हमने क्या बताया, लल्ला जरा पानी दे दो, लल्ला मतलब लिप्टोटीन, जरा मतलब जाइगोटीन, पानी मतलब पैचीटीन, दे दो मतलब डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस। तो इसमें भैया जो पैचीटीन हमने बताया थर्ड नंबर वाला, यही पैचीटीन जो होता है इसी में क्या होता है क्रॉसिंग ओवर होता है, क्या होता है क्रॉसिंग ओवर होता है। अब इसको डिटेल में जब हम सेल डिवीजन पढ़ाएंगे तब डिटेल में समझा देंगे, और बाकी जिसको सच में डिटेल में समझना है तो हमारी जेनेटिक्स की क्लासेस पड़ी हुई हैं जीपीबी की, जो हमने एक सेशन चलाया था ये डीएचओ वाले के लिए, उसमें जीपीबी जो हमने पढ़ाई थी उसमें बहुत विधिवत समझाया है हमने सेल डिवीजन, उसको समझ लेना आप जाके, ठीक है। आगे बात करें, ठीक है, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ। मेंडल ने भैया तीन नियम दिए थे आपको, बता दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन नियमों को जब वो जिंदा थे तब किसी ने माना नहीं, कहे कि उस समय डार्विन का बहुत भौकाल चल रहा था, सब लोग डार्विन को मान रहे थे, लैमार्क की कोई इनकी मेंडल की कोई सुनना नहीं चाहता था। दूसरी बात ये थी कि मेंडल भैया नए नए जुगाड़ी आदमी पैदा हुए थे, ये स्टैटिक्स के भैया ज्ञाता थे, और इन्होंने क्या किया मैथ का यूज कर दिया बायो में। हालांकि आज ये बात तुमको आश्चर्यजनक नहीं लग रही है कि स्टैटिक्स का यूज बायो में तो होता
ही है भैया, हम लोग खूब प्लॉटिंग वगैरह करते हैं ना, स्प्लिट प्लॉट डिजाइन या डिजाइंस पढ़ते हैं, स्टैटिक्स पढ़ते हैं, लेकिन तब ये भैया 1800 की बात थी, 1866 में जो है मेंडल ने अपने नियम प्रतिपादित किए थे, तब भैया ये नहीं सिस्टम चलता था कि तुम मैथ में जो है बायो घुसा दो। आज भी जानते हो ना, मैथ से जो डरते वही बायो पकड़ देते आके, ठीक है, यानी मैथ बायो का कॉम्बिनेशन आज भी विद्यार्थियों में नहीं बन पाता है, इसको मैथ आती उसको बायो नहीं आती, इसको बायो आती उसको मैथ नहीं आती, समस्या तो यहीं फंस जाती है। अब भैया लेकिन एग्रीकल्चर वाले वहाँ गया था तो उनको दोनों आती, तो उसीलिए भैया ये थोड़ा सा एग्रीकल्चर वाला आदमी था, घर में अपने खेती होती ऐसे करता रहता था, इसने क्या किया बायो में लगा दिया भैया स्टैटिक्स, इसीलिए भैया लोगों को समझ में नहीं आया, इतना बढ़िया इन्होंने नियम खोद दिया। ठीक है, जब ये मर गए 1884 में ये निपट गए, जब ये निपट गए, इनके निपट जाने के बाद भैया क्या हुआ, इनके नियमों की दोबारा खोज हुई, 16 साल इनके मरे हो गए तब 1900 में, तीन वैज्ञानिकों ने किया, एक तो भैया थे ह्यूगो डी ब्रीज, दूसरे थे कार्ल कारेंस और तीसरे थे सेरमार्क। बात समझ में आई, ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल कारेंस और सेरमार्क ने क्या किया, रीडिस्कवरी के मेंडल के नियमों की, कब, उनके मरने के 16 साल बाद यानी 1900 में। ठीक है, ओनली 0.1% ऑफ इंड्यूस्ड म्यूटेशन आर यूजफुल इन क्रॉप इंप्रूवमेंट। भैया देखो, म्यूटेशन वैसे ज़्यादातर नुकसानदायक ही होती है, लेकिन कह रहे हैं कि भाई 0.1% तक जो इंड्यूस्ड म्यूटेशन होती है, जिसको हम खुद करवाते हैं, ठीक है, इंड्यूस्ड म्यूटेशन है, ज़बरदस्ती करवाए हम म्यूटेशन सोच के, तो 0.1% वो कभी कभी हमारे लिए क्रॉप के लिए यूजफुल भी होती है। द एंजाइम एसोसिएटेड विद क्रेप साइकिल आल्सो प्रेजेंट इन मैट्रिक्स। भैया ये कह रहे हैं क्रेप साइकिल, अब ये लोग चले गए कहाँ, रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन इन श्वसन। श्वसन क्या होता है भैया, साधारण शब्दों में कहें जो खाना हम लोग खा रहे हैं उसको जलाना, उससे एनर्जी लेना, श्वसन कहलाता है। ठीक है, उसको कंबसन करवा के उससे एनर्जी पैदा करना क्या है, रेस्पिरेशन है, श्वसन है। तो इस रेस्पिरेशन में हम लोग जब पढ़ते हैं तो भैया क्या पढ़ते हैं, एक तो अंतःश्वसन पढ़ते हैं, एक बहिर्श्वसन पढ़ते हैं। बहिर्श्वसन यानी सांस का अंदर लेना बाहर जाना, ये सारी प्रक्रियाएं बहिर्श्वसन में आती हैं। अंतःश्वसन में सेल के अंदर जो श्वसन होता है उसे हम लोग पढ़ते हैं। सेल के अंदर कैसे श्वसन होता है, सेल के अंदर क्या होता है भैया, हमारा जो है दो साइकिल चलते हैं। दो साइकिल कौन कौन से चलते हैं, तो भैया हमारा पहला क्या चलता है, एक साइकिल को हम लोग बोलते हैं ग्लाइको लिसिस साइकिल, और दूसरे साइकिल को हम लोग बोलते हैं क्या, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल होता है ये तो सब में होता है, क्रेब्स साइकिल सिर्फ उन्हीं में होगा जिसमें क्या होता है, ऑक्सीश्वसन हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है। दो प्रकार का श्वसन है, एक होता ऑक्सीश्वसन, एक होता अनऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस के बाद आ जाता है क्रेब्स साइकिल। अनऑक्सीश्वसन में यही ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या हो जाता है, किण्वन की प्रक्रिया हो जाती है, किण्वन यानी फर्मेंटेशन, जिसे दही बनता है, तो ये हमारा क्या है, अनऑक्सीश्वसन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, दारू किससे बनती है, किण्वन से बनती है, यानी वो भी किस में होगा, अनऑक्सीश्वसन में आएगा। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस के बाद उसमें हो जाएगा फर्मेंटेशन, तो अनऑक्सीश्वसन, और हो जाए क्रेब्स साइकिल, तो वो हमारा क्या होता है, ऑक्सीश्वसन होता है। अब क्रेब्स साइकिल में जो एंजाइम चाहिए होते हैं, क्रेब्स साइकिल चलता कहाँ है, तो चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, क्योंकि भोजन को जला के एनर्जी पैदा करता है वो, स्टोर भी करता है, तो पावर हाउस ऑफ सेल नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब भैया ये क्या करता है, जब एनर्जी पैदा करता है भोजन से, तो पावर हाउस ऑफ सेल हो गया। अब इसी में जो है मैट्रिक्स में ही, सेल के मैट्रिक्स में ही क्या होता है, हमारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होता है। हर प्रक्रिया में एंजाइम्स पाए जाते हैं, अब उतना डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो रेस्पिरेशन पे पूरा चैप्टर एक होता है, पूरा एक घंटा लगता है अकेले रेस्पिरेशन को पढ़ने में। अगर हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में डेप्थ में कभी क्लास चलाए, तो उसमें आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज़ को। ठीक है, इसके बाद लाइफ वॉज फर्स्ट ऑरिजिनेटेड इन वाटर थ्योरी ऑफ जीन्स इथ क्रोमोजो वॉज इंड्यूस्ड बाई मार्गन। भैया पहली बार पानी में जीवन का उदय हुआ, ये बात अब लोग सब मान चुके हैं कि सबसे पहले कोई एल्गी वेल्गी टाइप की चीज़ पैदा हुई होगी। धीरे धीरे जो है उसमें क्या हुआ भैया, इंप्रूवमेंट आते चले गए, उत्परिवर्तन होते चले गए, उनसे जो है धीरे धीरे जीवों का विकास हुआ, फिर मानव का विकास हुआ। ये थ्योरी दी किसने थी, मॉर्गन ने दी थी। थ्योरी ऑफ जीन्स भी इन क्रोमोजोम मॉर्गन ने दी थी। ठीक है, 1944 में तीन और महान वैज्ञानिक भैया बैठे हुए थे। तीन वैज्ञानिक जो बैठे हुए थे, एवेरी मैकलियॉड और मैकार्टी। एवेरी मैकलियॉड और मैकार्टी जो ये तीन वैज्ञानिक बैठे हुए थे, इन्होंने क्या कहा
भैया इससे पहले इनके 1944 से पहले हम लोग माना करते थे कि प्रोटीन जो है वही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन बहुत कलाकार होती है, वो जेनेटिक मटेरियल का काम वही करती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमको पता चला कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं है, ये तो भैया डीएनए है जो क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। और ये बताया किसने, एवेरी मैकलियॉड और मैकार्टी ने बताया था ये बात, ठीक है। इसके बाद बात करें अगर, इन द कैम प्लांट ट्रांसपीरेशन इज नेग्लिजिबल सिंस स्टोमेटा आर क्लोज ड्यूरिंग डे। भैया कैम प्लांट्स में क्या होता है, ट्रांसपीरेशन ना के बराबर होता है, ना के बराबर होगा ट्रांसपीरेशन यानी क्या, वाष्पीकरण, यानी पौधे से पानी का लॉस, वाटर लॉस जो है ना के बराबर होगा। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इसमें क्या होता है, दिन के समय जब धूप होती है, जब ट्रांसपीरेशन होने का समय होता है, तब ये क्या रखते हैं, अपने स्टोमेटा को बंद रखते हैं। स्टोमेटा से ही तो पानी लॉस होता था, स्टोमेटा जब दिन में बंद है और रात में उतना टेम्परेचर नहीं होगा तो रात में तो नहीं होता था, ट्रांसपीरेशन होता मुख्यतः दिन में था, और दिन में उन्होंने क्या रखे, अपने स्टोमेटा बंद रखे। इसीलिए कैम प्लांट जहाँ बहुत पानी कम रहता है, कैम प्लांट के एग्जांपल के तौर पे नागफनी हमारा है, एलोवेरा है, तो ये हमारे कहाँ पैदा होते हैं, जहाँ पानी बहुत कम होता है वहाँ आसानी से पैदा हो जाते हैं, इनको दिक्कत नहीं होती क्योंकि इनसे वाटर लॉस होता ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स सेल ऑफ माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल में भैया प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल के तौर पे तुम लोग क्या याद रखते हो, बैक्टीरिया, बीजीय और माइकोप्लाज्मा, याद रख लो ये तीन हमारे क्या है एग्जांपल है किसके, प्रोकैरियोट्स सेल के। इसके बाद साइटोप्लाज्म की अगर हम लोग बात करें, इंक्लूड्स ऑल स्ट्रक्चर ऑफ आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस। भैया ये हमारी मान लो हो गई सेल, सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्रोमैटिन धागे, इसके अंदर पाया जाती है न्यूक्लियोलस, इसके अंदर थोड़ा सा पाया जाता है सर्कुलर डीएनए, इसके बाहर जो है ये हमारा इसे मैट्रिक्स रहता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, ठीक है, राइबोसोम पाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। तो इस सेल में इस राइबोस इस न्यूक्लियस के बाहर जितना भी क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस अगर दोनों को मिला लिया जाए तो इस पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। यानी साइटोप्लाज्म में भी अगर न्यूक्लियस को भी मिला लो तो क्या बन जाएगा, प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा, ठीक है। बस सेलवाल चढ़ा दो, सेलवाल के अंदर जितना मैटर हो सारा क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, अब न्यूक्लियस के बाहर और सेलवाल के अंदर जितना भी मैटर है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। बात समझ में आ गई। सेंट्रोसोम सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम हिंदी में बोलते हैं इसको तारक काय, क्या बोलते हैं, तारक काय, टी बावेरी ने खोजा था। कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। ओपनिंग आर लेफ्ट एट प्लांट बिटवीन द एडजेसेंट सेल नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा, थ्रेड लाइक लाइनिंग बिटवीन टू सेल्स इज नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा। देखो जब सेल हो, मतलब जब क्रोमोजोम होता है तो क्रोमोजोम्स एक सेल से दूसरी सेल के बीच में कुछ बंटवारा होगा, अब इनके बीच में जब एक्सचेंज होना होता है सेल डिवीजन के टाइम पर, तो जो जगह पाई जाती छोटी सी, उस जगह को, छोटी सी जगह को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मा, और वहाँ से ही एक धागेनुमा संरचना निकली होती है जो जोड़ती है दो सेल्स को, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। छिद्र टाइप का पाया जाता है प्लाज्मोडेस्मा, वहाँ से जो है कुछ ज्वाइनिंग के लिए धागे जैसा निकला होता है उसे बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। ए कॉमन क्रॉप ऑफ नेचुरल ऑटो टेट्राप्लॉइड, ऑटो टेट्राप्लॉइड उगाने वाली मेन फसल क्या है, आलू। आलू किस प्रकार का है भैया, पहली बात तो क्या है, टेट्राप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड यानी 4x क्रोमोसोम पाए जाएंगे। कितने होते हैं आलू में, 48 होते हैं, 12 होगा बेसिक, 12 × 48 हमारा क्या हो गया, क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। इसके बाद भैया सेलवाल ऑफ फंजाई चिपलीमेडा, भैया किससे मुख्यता बनी होती, काइटिन से, भैया काइटिन से बनी होती क्या, फंजाई की सेलवाल। ये क्वेश्चन बीएचयू बहुत पूछता है भैया, ठीक है, याद रखना। प्लांट सोइंग लेस देन 5% क्रॉस पॉलिनेशन, अगर 5% से कम क्रॉस पॉलिनेशन है तो उसे सेल्फ पॉलिनेटेड बोलेंगे, बता चुके हैं आपको। अ वेरी रेजिस्टेंट टू मोर देन 1 रेस ऑफ पैथोजन, भैया ऐसा रेजिस्टेंट प्लांट में पैदा हो जाए कि 1 रेस से ज़्यादा के लिए वो रेजिस्टेंट हो, यानी एक प्रजाति के मतलब जैसे मान लो एक बैक्टीरिया से रेसिस्टेंट है, दूसरे बैक्टीरिया से भी रेसिस्टेंट है, तीसरे बैक्टीरिया से भी रेसिस्टेंट है, तो इसमें कौन सी रेसिस्टेंट डेवलप हुई होगी, हॉरिजेंटल रेसिस्टेंट। हॉरिजेंटल रेसिस्टेंट में होता क्या है,
कि हमने ऐसी रेसिस्टेंट पैदा की कि इसमें कोई भी रोग ना लग पाए इस फसल में। लेकिन इसके पैतृक जो इसके बाद जो इसकी पीढ़ी आएगी, इस फसल से जो बीज मिलेगा उसको अगर हम बोएंगे तो उसमें रोग लग सकते हैं। जबकि वर्टिकल रेसिस्टेंट में क्या होता है, एक ही रेस के प्रति रेसिस्टेंट बनाते हैं लेकिन उससे जो पैतृक आएंगे वो भी क्या होंगे, रेसिस्टेंट होते चले जाएंगे। यानी उसी बीज को जब हम दोबारा उगाएंगे तब भी वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर रेस के प्रति रेसिस्टेंट होगा। टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी यूज्ड इन द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन पर्ल मिलेट साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी CGMS हमारा क्या है, ज़्यादातर किसमें होता है, मेल स्टेरिलिटी के रूप में काम करता है, किसमें, हाइब्रिड सीड्स में। किसके हाइब्रिड सीड्स में, बाजरा के हाइब्रिड सीड्स में। ठीक है, बाजरा में हमारी कौन सी ज़्यादातर पाई जाती है हाइब्रिड सीड में, CGMS यानी साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, एन इंडिविजुअल हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एक ही फूल में अगर मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हो तो ऐसे फूल को हम लोग बोलते हैं क्या, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट क्या होगा, एक ही में मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं कि फूल में। ठीक है, इसके बाद एसेप्टिक कंडीशन मीन्स, एसेप्टिक कंडीशन का मतलब होता है कि जहाँ पर कोई सेप्टिक ना हो, सेप्टिक का मतलब कोई रोगाणु ना हो यानी कोई पैथोजन ना हो, तो जिस एनवायरनमेंट में कोई पैथोजन ना पाया जाता हो उसे एसेप्टिक कंडीशन बोला जाता है। पोटैटो माथ 1900 में भैया इटली से घूमता हुआ चला आया इंडिया, जैसे सोनिया गांधी चली आई थी। थॉर्मिया अपर कुलिल्ला, क्या नाम है इसका, पोटैटो माथ का थॉर्मिया अपर कुलिल्ला नाम है भैया किसका, जो पोटैटो माथ है इटली से आया था। पिडिग्री क्या होता है, पिडिग्री का मतलब होता है भैया एंसेस्ट्री को संभाल के रखना, एंसेस्ट्री मतलब पूर्वजों के, यानी हमने क्या किया, कई सारी पीढ़ियों, कोई जो क्रॉप हम उगा रहे हैं उसकी जो वैरायटी उगा रहे हैं उसकी पीढ़ियों तक की जानकारी हमको है कि सातवीं पीढ़ी में इसके ये करेक्टर्स थे, उसके बाद अगली पीढ़ी में चेंज आया, अगली पीढ़ी में चेंज आया, ऐसे हमने पूरा निकाल के रखा है। अब हमको कभी भी सिलेक्शन करना होगा तो बहुत आसान हमारे लिए हो जाएगा कि किस वैरायटी का सिलेक्शन किया जाए। हमको अगर कोई करेक्टर चाहिए ब्रीडिंग करवाने के लिए तो हम क्या करेंगे भैया, हमको पता है किसमें किस वैरायटी में ये करेक्टर होगा, उसको उठा के यूज कर लेंगे तुरंत। इसे बोलते हैं पेडिग्री। द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी, एंटीजेंस और एंटीबॉडी के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसे बोलते हैं सेरोलॉजी। भैया एंटीबॉडीज हमारे शरीर में रोग फैलाती, ठीक है, नहीं एंटीजेंस हमारे शरीर में रोग फैलाते, एंटीबॉडी उनको बचाती हैं। तो भैया इनके बीच में कई सारे इंट्रैक्शन होते हैं, इसको हम लोग पढ़ते किस में है, एक सब्जेक्ट है सेरोलॉजी, उसमें पढ़ते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको सीरम विज्ञान। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल इज बाय वायरल वेक्टर इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। अगर भैया जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर में किसके द्वारा हो, किसी वायरस के द्वारा हो, तो उसे बोलेंगे क्या, ट्रांसडक्शन बोल देंगे। ट्रांसडक्शन का मतलब क्या है, एक सेल से दूसरी सेल में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर वायरस द्वारा हो रहा है। यानी OH भैया क्या है, करनाल बंट गेहूं में लगता भैया, जानते करनाल बंट, टिलेटिया फोइटिडा क्या है, ठीक है पढ़े ना, करनाल बंट जो लगता है ये भैया क्या होता है, गेहूं में लगने वाला एक रोग है। इस रोग से अगर हमको पता लगाना है इस रोग का, तो हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल लेते हैं, उससे हम लोग जो है टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद PCR यानी पॉलीमर चैन रिएक्शन। ठीक है, PCR एक टेक्निक है जो क्या करती है, हमारी DNA की कई सारे सिक्वेंसिंग बनाने का काम करती, कई सारे DNA के सिक्वेंसिस की कॉपीज बना देती है PCR टेक्निक। साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग द सीक्वेंस ऑफ DNA। अब इसी सीक्वेंस को अगर हमको पढ़ना है, समझना है, तो हम उसको किस में पढ़ते हैं, किस सब्जेक्ट में, जीनोमिक्स में। ठीक है, जीनोमिक्स क्या होता है भैया, जेनेटिक्स को मिला दो किस से, स्टैटिक्स से, मैथ से, मैथमेटिक्स और जेनेटिक्स मिल जाए तो बन जाता है जीनोमिक्स, मैथमेटिक्स और जेनेटिक्स मिले तो जीनोमिक्स बना। ठीक, द लाइन आर होमोजाइगस एंड होमोजीनियस इज नेचर इज कॉल्ड प्योर लाइन। प्योर लाइन में हमारा क्या होता है भैया, होमोजाइगस होंगे, सारे सारे क्या होंगे, एक ही तरीके के करेक्टर डेवलप्ड होंगे, तो ये हमारा किस में देखने को मिलता है, प्योर लाइन में देखने को मिलता है। ऑटो ट्राइप्लाइड हम लोग बनाना उगाते हैं, ऑटो ट्रिप्लाइड में मुख्यतः ऐसे ही फल हैं जो हमारे क्या होते हैं, ज़्यादातर बीज रहित होते हैं, जैसे ऑटो ट्रिप्लाइड हमारा क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर हमारा जो सीडलेस तरबूज हमने बनाया था, पूसा बेदाना कैसा था, ऑटो ट्रिप्लाइड था, तो ऑटो ट्रिप्लाइड बनाना में भी होता है। ठीक है, इफ द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इस फल प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, पार्थेनोकार्पी। भैया थोड़ा सा समझना एक चीज को, तीन चीजें हैं इसमें, पहला हमारा जो है एक शब्द होता है एपोमिक्सिस, याद कर लोगे बड़ा मजा आएगा इस चीज को, एपोमिक्सिस, एक होता है पार्थेनोकार्पी, एक होता है पार्थेनोजेनेसिस।
एपोमिक्सिस में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो यानी भ्रूण का बनना बिना फर्टिलाइजेशन के क्या कहलाता है, एपोमिक्सिस कहलाता है। अब इसी एपोमिक्सिस में एक पार्ट होता है पार्थेनोकार्पी, यानी पूरा का पूरा फल अगर बन जाए, फ्रूट बन जाए बिना फर्टिलाइजेशन के, तो ऐसी प्रक्रिया को बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। अगर अंडा बन जाए, एग बन जाए, डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसे बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। याद रख पाओगे, एपोमिक्सिस में एम्ब्रियो बिना फर्टिलाइजेशन के, पार्थेनोकार्पी में फल बिना फर्टिलाइजेशन के, पार्थेनोजेनेसिस में अंडा बिना फर्टिलाइजेशन के। सिंपल है। इसके बाद अब भैया बात करें, अगर पेरेंट की क्रॉस करवा दें हम F1 पीढ़ी से, यानी पहली जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन जो आई है F1 पीढ़ी, उससे अगर किसी पेरेंट का क्रॉस करा दें, तो इसे बोलते हैं क्या, बैक क्रॉस। यानी कैपिटल टी स्मॉल टी इनका क्रॉस हुआ, इससे बना कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका उठा के फिर से या तो डोमिनेंट से या तो रिसेसिव से किसी से क्रॉस करा दें, तो ये हमारा क्या हो गया, बैक क्रॉस हो गया। अगर डोमिनेंट से कराएंगे तो इसे बोलते हैं आउट क्रॉस, या इसी को बोलते हैं टॉप क्रॉस। और अगर रिसेसिव से कराएंगे तो इसी को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ये सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं पहले भी हम कई बार। अरे यार, ये तो स्लाइड ही सरक गई। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस क्या होगा, F1 into भैया क्या, रिसेसिव पेरेंट। ठीक है, और आउट क्रॉस क्या होगा, F1 into क्या होगा, डोमिनेंट पेरेंट। अब भैया दो हमारे यहाँ पर आ गए, ये एक तो है TIFT 23, ये हम बताए थे, एक बताए थे काफिर 60। तो TIFT 23 ये दोनों हैं क्या, मेल स्टेरिलिटी को बढ़ावा देते हैं, यानी नर बांध्यता को बढ़ावा देने वाले जीन हैं। ये जीन हमको आवश्यकता पड़ती है कभी कभी नर बांध्यता को बढ़ाने के लिए, कि हमको चाहिए सेल्फ, हम चाहिए कि वो खुद को निषेचित ना कर पाए, हम लोग आउट करा मतलब क्रॉस पॉलिनेशन करवा के अपने हिसाब का जो है पैदावार करेंगे। तो TIFT 23 ये क्या होता है, ये भैया पर्ल मिलेट में ऐसा काम कर देता है। पर्ल मिलेट यानी क्या, बाजरा में। काफिर 60 क्या करता है, सोरघम में यही काम कर देता है। ठीक है, बात समझ में आई। TIFT 23 ये क्या करता है, पर्ल मिलेट में, और काफिर 60 किस में, सोरघम में कर देता है ये काम। ठीक है, इसके बाद एक पाया जाता है इथीडियम ब्रोमाइड, एक केमिकल होता है। इथीडियम ब्रोमाइड क्या करता है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी पैदा कर देता है। क्या कर देता है, CMS, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। किस में करता है ये भैया, बाजरा में कर देता है, और कर देता है जौ में। बाजरा और जौ में अगर हमको साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी पैदा करना, CMS पैदा करना, केमिकल यूज करना पड़ेगा, कौन सा, इथीडियम ब्रोमाइड। बात समझ में आ गई। अब भैया कुछ हमारे ऑर्गेन्स हैं और उनकी डिस्कवरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भैया, पहली लिविंग सेल किसने खोजी थी, पहली जीवित कोशिका खोजी थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1723 में। अगर लेकिन जीवित ना लिखा होता, पूछा जाता पहली कोशिका किसने खोजी थी, तब हम बता देते रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी वो जिंदा नहीं थी, मात्र उसकी सिलवाल थी। इसीलिए अगर पूछा जाता है सिलवाल की खोज किसने की, तब भी हम लोग रॉबर्ट हुक बताते हैं। सेल की खोज किसने की, तब भी रॉबर्ट हुक बताते हैं। लेकिन अगर पूछता है जीवित कोशिका की खोज पहली किसने की थी, तब हम बताते हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। बात समझ में आई। इसके बाद न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसके बाद न्यूक्लियोलस की खोज किसने की थी, तो टिनल फोंटाना ने की थी 1781 में की थी। ठीक है, इसके बाद भैया इसका नाम किसने न्यूक्लियोलस दिया, केंद्रक के अंदर छोटी सी कोशिका पाई जाती, जगह पाई जाती थी, एक ऑर्गेन पाया जाता जिसे हम लोग बोलते हैं केंद्रिका। तो केंद्रिका कहा किसने, तो भैया एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बोमैन, तो बोमैन ने अपना नाम नहीं ढंग का रखा, तो कहा चलो केंद्रिका रख देते हैं, इसका नाम अच्छा रख देते हैं। सेल थ्योरी स्लाइडन एम स्वान ने दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, स्लाइडन स्वान ने सेल थ्योरी दी थी 1838-39 में। ठीक है, एक इसमें बॉटनिस्ट थे, एक जियोलॉजिस्ट थे, दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी बनाई। ठीक है, इसके बाद माइटोटिक सेल डिवीजन किसने खोजा था, फ्लेमिंग ने खोजा था, यानी समसूत्री विभाजन फ्लेमिंग ने खोजा। ठीक है, इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस किसने खोजा, भैया खोजा तो इसका था वान बेंडेन एक थे साइंटिस्ट जिन्होंने खोजा था किसको, मियोसिस को। लेकिन ये पूछा नहीं जाता है आपसे, पूछा आपसे एक चीज जाती है कि जो मियोसिस शब्द है वो किसने दिया था, ये पूछा गया है किसने दिया था भैया, तो एक साइंटिस्ट थे फार्मर और दूसरे साइंटिस्ट थे मूरे। तो फार्मर एंड मूरे ने मिलकर क्या दिया था, शब्द दिया था मियोसिस।
ठीक है, बात समझ में आई। इसके बाद प्लाज्मोडेस्माटा किसने खोजा, स्ट्रॉसबर्गर ने, प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे ने, प्रोटोप्लास्ट किसने खोजा, हेंस्टन ने खोजा, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मा लेमा किसने खोजा, प्लोव ने खोजा, यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट डेविड रॉबर्टसन ने खोजा था। दो मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट बता चुके हैं आपको पहले भी, एक होता यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, एक होता फ्लूड मोज़ेक मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन में क्या होता है, इसे सैंडविच मॉडल भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, ऊपर से एक सेलवाल की बनावट में ऊपर क्या होगा, प्रोटीन की लेयर हो, नीचे क्या हो, प्रोटीन की लेयर हो, बीच में क्या हो, लिपिड पाई जाती हो। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हम लोग सैंडविच, हो गया ना, ऊपर से बर्गर, नीचे बर्गर, भैया बीच में सब्जी बंदी, सैंडविच बन जाता है इसे ना, तो भैया इसी को बोल देते हैं यूनिट एकक कला मॉडल या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, इसके बाद इसको खोजा किसने था, डेविड रॉबर्टसन ने खोजा था। इसके बाद जाता है फ्लूड मोज़ेक मॉडल। फ्लूड मोज़ेक में बताया इन्होंने कि भैया ये भैया ऊपर तो प्रोटीन रह रही है, नीचे भी प्रोटीन रह रही है, इसमें लिपिड ऐसे कहीं कहीं बीच में धंसा हुआ है, कहीं भी पाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो पाए गए हमारा कहलाता है फ्लूड मोज़ेक। तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने दिया था, 1972 में खोजा था। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पॉर्टर ने खोजा। प्लास्टिड को भैया, प्लास्टिड हमारा लवक, लवक यानी हरित लवक है, वर्णी लवक है, वर्णी लवक है, सारे प्लास्टिड किसने खोजे थे, सिंपर ने खोजे थे, अर्नेस्ट हेकेल ने खोजे थे। क्लोरोप्लास्ट किसने खोजा था, सिंपर ने खोजा था। माइटोकॉन्ड्रिया बेंडा ने, माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था, सबसे पहले देखा था कोलिकर ने, नाम उसको दिया बायोप्लास्ट, किसने, अल्टमान ने। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था, तो वो बेंडा ने दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया खोजी नहीं थी बेंडा ने, ठीक है, शब्द दिया था बेंडा ने। गाल्जी का किसने खोजा था, कैमिलो गाल्जी ने खोजा था। आरएनए किसने खोजा था, पैलाडे ने। राइबोसोम पैलाडे ने सबसे पहले देखा था। इसके बाद लाइसोसोम डीडुवे ने, सेंट्रोसोम टी बावेरी ने, वही बताए थे तारक का टी बावेरी। क्रोमोसोम स्ट्रासबर्गर ने खोजा था, नाम दिया था वाल्डेयर ने 1888 में। डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 में। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमारे यही हर्बर्ट गिल मतलब बर्ग गिलबर्ट और एंगर टेक्नोलॉजी डीएनए सिक्वेंसिंग, ये सारी जो है खोजी थी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और डीएनए सिक्वेंसिंग, बात समझ में आई। दो थ्योरीज हैं, एक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और एक है क्या, डीएनए सिक्वेंसिंग, एक क्रम है, एक ही चीज़ है, मान के चलो। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और डीएनए सिक्वेंसिंग किसने खोजा था, बर्ग गिलबर्ट एंड एंगर ने। ठीक है, बात समझ में आई। इसके बाद लिंकेज शब्द किसने दिया, बैटसन ने दिया। लिंकेज थ्योरी मॉर्गन ने दी। प्योर लाइन टर्म, प्योर लाइन जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, सारे शब्द किसने दिए थे, जॉनसन ने। क्रोमोसोम थ्योरी मॉर्गन ने। एक्सरेज फिजिकल म्यूटेंट के रूप में काम करते हैं, सबसे पहले किसने बताया था, मूलर ने। इसके बाद भैया बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, एवेरी मैक्लियोड मैकार्डी, वही बात जो वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया था कि जो काम करता है कौन, जेनेटिक मटेरियल का काम कौन करता है भैया, डीएनए करता है ना कि प्रोटीन करती है। फर्स्ट इंटरस्पेसिफिक क्रॉस थॉमस फेयरचाइल्ड ने बनाया था, जिसे फेयरचाइल्ड्स म्यूल बोला जाता है, खच्चर। ठीक है, किसका कराया था, स्वीट विलियम्स का क्रॉस कराया था। ठीक है, इसके बाद सेंटर ऑफ ऑरिजिन वेविलॉन ने खोजे थे। कितने सेंटर ऑफ ऑरिजिन, 8 सेंटर ऑफ ऑरिजिन खोजे थे पूरे विश्व में। ठीक है, उसके बाद तीन और उसमें सब ऑरिजिन जोड़ दिए। टर्म हेट्रोसिस सल ने दिया था 1914 में। आरएनए पहली बार सिंथेसिस किया था एस ओचोव ने, मतलब बैठ के लैब में आरएनए को बनाया किसने, एस ओचोव ने पहली बार। टर्म जेनेटिक्स किसने दिया था, बैटसन ने दिया था। फादर जेनेटिक्स के कौन है, कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। वन जीन वन एंजाइम थ्योरी दी थी बीडल एंड टाटम ने। वन जीन थ्योरी भी एक है, उसे दिया था फ्लोर इन ग्राम ने। ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट दिया था जैकब एंड मोनॉट ने। म्यूटेशन को खोजा किसने था, ह्यूगो डिब्रीज ने। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स हैं, ये सब आपको रटने ही पड़ेंगे। थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस उल्फ ने दी थी, इनको डिटेल में थोड़ा सा आपको समझाएंगे हम। थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर लैमार्क, बाद में लास्ट में क्लास के। थ्योरी ऑफ पंजेंसिस चार्ल्स डार्विन। जर्मप्लाज्म थ्योरी बीजमैन ने दी। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन एंड बावेरी, ये सब इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा मेंडल से पहले की जो थ्योरीज बनी हुई हैं वो हैं ये। एपिजेनेसिस थ्योरी उल्फ ने दी थी। एक्वायर्ड करेक्टर बता चुके हैं क्या, जो हम चाहते हैं वैसे करेक्टर हमारे में डेवलप हो जाते हैं, लैमार्क। पंजेंसिस थ्योरी किसने, डार्विन ने दी थी। थ्योरी ऑफ पंजेंसिस या नेचुरल थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी किसने दिया था, डार्विन ने। जर्म प्लाज्म थ्योरी बीजमैन ने दिया था। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन एंड बावेरी ने दिया था। बैक्टीरिया, देखो जेनेटिक्स में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, इस्चीरिया कोलाई। फंजाई कौन सा सबसे ज़्यादा यूज होता है, न्यूरोस्पोरा क्रासा। इंसेक्ट ड्रोसोफिला यूज होता है, यानी फ्रूट फ्लाई यानी फल मक्खी।
ठीक है। इसके अलावा प्लांट में सबसे ज्यादा मटर यूज हुआ है, और उसके अलावा मेज भी यूज किया गया है, मक्का भी खूब यूज किया गया है जेनेटिक्स में, ठीक है। इतना आज के लिए बहुत रखते हैं, फिर सेल की जो है हम लोग बात करेंगे अगली बार से, सेल पे हम लोग आएंगे, ठीक है। अगली क्लास थोड़ा सा लंबी होगी, आज मीटिंग लग गई इसी वजह से, वैसे तो हम सोचे थे ये क्लास 2-2.5 घंटे की रखेंगे, लेकिन मीटिंग लग गई है तो इस वजह से आज इस क्लास को यहीं रखते हैं। अगली क्लास आपको मिल जाएगी जब आप लोग इस क्लास को लगभग 1000 पहुंचा देंगे, ठीक है। तो इसलिए दबा के शेयर करिए जिससे जल्दी जल्दी अगली क्लास आपको मिल जाए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।